एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको। और सुबह के हो रहे हैं 8 और यहाँ का कुछ नज़ारा कुछ गाइस ऐसा है, कुछ रूखे या सूखे कुछ भी कह लीजिए, यहाँ का जो पहाड़ों का जो नज़ारा है गाइस वो कुछ इस तरह है। मुझे पता नहीं क्यों ये पहाड़ देखकर ऐसे लगता है कि मैं अफ़गानिस्तान में हूँ, शायद कभी वहाँ का भी ट्रिप लग जाए। और गाइस नाको जो है चितकुल से 300 या 400 मीटर ऊंचा है ना, 11820 या 11840 की हाइट पर है, तो ये भी एक अच्छी बात है, थोड़ी प्रोग्रेस हुई, चितकुल से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं नाको में और काफ़ी प्यारा व्यू है पीछे से गाइस। और रात को हम थोड़ा लेट हो गए थे नाको पहुँचते 9 बज गए थे। और नाको में जैसे ही एंटर किया हमने तो यहाँ पर एक होम स्टे है, कुछ ही देर में आपको इस व्लॉग में अपडेट कर दूंगा। और अभी हम जस्ट फ्रेश हो गए हैं, नाको लेक और नाको मोनेस्ट्री बनी हुई है यहाँ पे, उसको देखने जा रहे हैं, तो मिलते हैं गाइज़ आपको थोड़ी देर तक। तो गाइज़ रात को जब 9 बज गए थे यार, काफ़ी लेट हो गए थे नाको के लिए, तो यहाँ से हम आए थे और आते एंट्रेंस पे लोवन के नेम से ये होटल बना हुआ है गाइज़, और हमारी सामने बाइक्स यहाँ पार्क्ड है और बहुत ही प्यारा व्यू है गाइज़। वैसे कार पार्किंग के लिए भी जगह दे रखी है गाइज़ यहाँ होटल की तरफ से इस साइड पे। और आगे आप जितना भी देखेंगे गाइज़ सारे होम स्टेज होटल तो आपको मिल जाएंगे यहाँ काफ़ी सारे। तो गाइज़ बाहर से ये होटल इस तरह से कुछ नज़र आता है, और सामने हमारी बाइक्स आपको मैंने दिखा दी हैं यहाँ पार्क्ड है। और वैसे गाइज़ ऊपर भी रूम्स बने हुए हैं, हमने जो रूम लिया था गाइस साथ ही लिया था ताकि पौड़ियाँ चढ़ना ना पड़े। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है गाइस। और गाइस ये हमारा रूम है, रूम इस वक्त बहुत ज़्यादा होच पोच हो रखा है गाइस, ये हमारा सामान है गाइस। और ये पाजी अपने गुरमीत भी रेडी हो चुका है, चाय का इंतज़ार कर रहा है और फुल इंजॉय कर रहा है। और गाइस यहाँ ये वॉशरूम बना हुआ साथ में, नीट एंड क्लीन है लेकिन अभी नहीं है। और गाइज ये जो होटल है 900 रुपीज़ में पड़ा है दोनों को, और खाना पीना अलग है, मतलब कि लगा लीजिए पर नाइट का खर्चा आपको 1200 से लेके 1400 रुपये के बीच बीच पड़ेगा। तो चलते हैं गाइज बाकी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ से आए हैं होटल से, और होटल से ये सामने जो आप देख रहे हैं ये नाको में मोनेस्ट्री बनी हुई है, बुद्ध मोनेस्ट्री या टेंपल कह लीजिए आप। और गाइस यहाँ काफ़ी ठंड है, और बाइक हमने यहाँ पार्क कर दी है गाइस, दो तीन जैकेट डाल के अंदर आना पड़ा गाइस, मतलब ये रात को टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और अभी भी शायद माइनस में ही है। और व्यू काफ़ी प्यारा है गाइस यहाँ से, गाइज यहाँ से एंट्री है बुद्ध मोनेस्ट्री की या टेंपल कह लीजिए आप। चलते हैं गाइज, अंदर गाड़ियाँ तो काफ़ी सारी लगी हुई हैं गाइज, लेकिन लोग कहाँ है ये पता नहीं कहाँ है, ठंड से सारे इकट्ठे हो रखे ने। तो गाइस पीछे जो है यहाँ लामा जी बैठते हैं, और ये बंद पड़ा है गाइस। गाइस इस वक्त हम जो है नाको में है और नाको मोनेस्ट्री में खड़े हुए हैं, और सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना गाइस ये लियो पहाड़ है, और उसके तरफ और एक गाइस सामने आपको नज़र आ रहा हो एक छोटा सा गांव, तो वो लियो गांव है गाइस, और ये लियो पहाड़ है गाइस जो आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है गाइस। और मोनेस्ट्री जो गाइस है मेन मोनेस्ट्री वहाँ पे बनी हुई है जो कि अभी हम जा रहे हैं। और ये सर मिले थे काफ़ी अच्छे हैं नेचर से, सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजीव कुमार। संजीव कुमार आप यहीं के हैं जी, लोकल? जी यहीं के हैं। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा बहुत बताया यहाँ के बारे में, तो मिलते हैं सर आपसे फिर। ओके सर, थैंक यू। तो गाइस यहाँ से रास्ता जाता है मोनेस्ट्री तक,
तो गाइस इस बुद्ध मोनेस्ट्री के बारे में ये लिखा हुआ है। तो गाइस मेन मोनेस्ट्री ये है और ये 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी और यहाँ टोटल 4 द्वार है अंदर आने के लिए और काफ़ी प्यारी है, लेकिन अंदर जो है कैमरा अलाउड नहीं है जिस कारण मैं अंदर से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जो है ले नहीं सकता, तो आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। तो गाइस होम स्टे से जो है सॉरी तो गाइस होटल से जो है 2-3 मिनट का ही रास्ता है नाको के अंदर जो लेक बनी हुई है, और बाइक हमने वहाँ पार्क कर दिया और यहाँ से आए थे और ये रास्ता है गाइस लेक के लिए। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं लेक को भी। लेक के लिए रास्ता कुछ ऐसा है जो कि पौड़ियाँ जा रही है नीचे की ओर। नाको में एक फ़ायदा हुआ कि साथ ही साथ बनी हुई हैं चीज़ें देखने के लिए और यहाँ सिर्फ दो ही चीज़ें, एक तो लेक है एक मोनेस्ट्री है। लेक में पानी ज़्यादा है नहीं है। चलो जितना भी है मैं भी देख लेता हूँ और आप भी देख लो इस ब्लॉग के थ्रू। लेक का कुछ नज़ारा इस तरह का है, कितना प्यारा। गाइस इस लेक की जो खास बात है वो ये है, एक तो ये नेचुरल लेक है और इतनी हाइट पे नेचुरल लेक का मिलना पॉसिबल नहीं है गाइस। और ये तो कुदरत का नज़ारा है गाइस जो आप देख रहे हैं, 11,820 या 40 फीट की ऊंचाई पे ये लेक बनी हुई है। पानी थोड़ा कम है लेकिन जो दिख रहा है आपको इतना ही है गाइस, और काफ़ी प्यारी लेक है। भाजी वो चले ने कह रहे ने आ जाए तैरन चलिया गुरमीत अपना। आई लव नाको, काफ़ी हाइट पे है गाइस, बहुत ज़्यादा हाइट पे है। ऑक्सीजन की भी थोड़ी यहाँ कमी है, देख ही सकते हैं गाइस। गाइस ये बहुत ही हाइट पे है और ये जो आप सामने देख रहे हैं नाको के पहाड़ है और नाको का गांव नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से, और लेक का नज़ारा भी आपको यहीं से प्रॉपर मिलेगा। और व्यू गाइस कुछ ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है इस वक्त। और ये अंकल जी मिले हैं, ये भी सोलन से आए हुए हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम सोलन भाटिया। अच्छा आप अकेले आए हुए हैं कि फैमिली? नहीं बेटा आया हुआ मेरा साथ। अच्छा। पर वो उस इंटरनेटिंग का उसका काम है। अच्छा कल समदू था। अच्छा 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 आज यहाँ बैंक में उसका काम है, फिर कल परवानू में। तो आप यहाँ अकेले आ गए? यहाँ तो बोलना मेरे को जाओ था, हमारे तो साथ चढ़ गए जी। नहीं नहीं गुंजा में आया था, यहाँ गुंजा साल पहले भी आया था। अच्छा गुंजा साल पहले भी आए थे जब मैं किन्नौर में लगा था ना। अच्छा 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 गाइस आपके सारे जितने भी पाप है दुनिया कर रखे आपने यहाँ आकर इसको घुमाने से जो है आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो गाइस इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये 12,000 फीट की ऊंचाई पे है, जो कि एंट्रेंस पे 11,800 कुछ लिखा हुआ था, ये काफ़ी ऊपर आने के बाद 12,000 फीट पे उस वक्त। और बहुत ही प्यारी लोकेशन है गाइस, जाने का मन नहीं कर रहा यहाँ से। तो चलते हैं गाइस, अब जाना तो है ही है, अब हमारा अगला रूट है कादा के लिए। शाम तक कादा पहुँच जाएंगे, उससे पहले जो जो चीज़ें आएंगी उसको कवर करना है गाइस। तो चलते हैं नाको को करते हैं बाय बाय।